गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपके सामने शिवम को लेके आ चुका हूं। मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इस गाड़ी का ओनर है, तो आइए इससे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो शिवम भाई, जैसे इस गाड़ी के अंदर आपको 2530 सीसी का इंजन मिलता है, तो आपने इसको पावर की वजह से लिया है फिर किस चक्कर में लिया है? भाई पावर की उससे भी लिया है। हां भाई, इसका रोड प्रेजेंस है, गति दूर तय लो घट जाए। तो रोड प्रेजेंस के लिए तो आप किया भी ले सकते थे। अगर आपने 15.5 लाख का ये बेस मॉडल लिया, तो आप टॉप मॉडल भी तो ले सकते थे ना, जैसे ब्रीजा हो गई, क्रेटा हो गई, या फिर किया भी आ रही है आजकल। तो इसकी होड़ तो नहीं होगी, पर सबसे बड़ी बात वो है ना कि इसके अंदर आपको फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। भाई फीचर तो ना मिलते हैं, पर रोड प्रेजेंस की यार क्रेटा की। हाँ ये तो बात है कि महिंद्रा का इंजन भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देती है। पर आपने एक ये चीज़ नहीं देखी कि जैसे आपने जब ये गाड़ी ली बेस मॉडल के अंदर, इसका ये जो ड्यूअल टोन हो जाता है, ये नीचे वाला जो टोन है, ये गाड़ी के पूरे कलर से डिफरेंट सेगमेंट में आ जाता है बिल्कुल ही। ये एक्चुअली पेंट करवाना था मेरे को अभी। अच्छा, पेंट करवा रहा हूँ। मैंने टॉप इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को बेस से टॉप बनानी है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको बेस मॉडल लेके आप टॉप बनाना चाह रहे हो, तो आपने टॉप ही क्यों नहीं लिया? टॉप भी तो 21 लाख का आता है, 5-6 लाख रुपए ज्यादा लग जाते। नहीं देखो, 21 लाख, 21.5 लाख का आता है टॉप मॉडल। अच्छा, ये पड़ी है मेरे को 15-11 की कुछ। अच्छा अच्छा, 50,000 डिस्काउंट देंगे। अब इसमें मैं 2-2.5 लाख लगाऊंगा, मेरी पूरी टॉप बन जाएगी, तो क्या फायदा 3-4 लाख रुपए जब मेरे बच रहे हैं, वो अपने नंबर पे लगाऊंगा। तो आप इस गाड़ी की लाइक थोड़ी डिटेल्स में आ जाएगी कि आपने इसमें क्या क्या काम अभी तक करवा दिया और क्या क्या काम आप करवाने वाले हैं इसमें। भाई ये टॉप मॉडल लगवाई है, ग्रिल। अच्छा, ये कितने की पड़ी आपको? ये पड़ी थी मेरे को 3500 की। 3500 रुपए की, ठीक है। और भाई इसके ये लगवाए थे मैंने रेन वाइजर। अच्छा, रेन वाइजर। ये पड़े थे मेरे 700 के। ठीक है, 700 के हो गए। मैंने इसमें ये लगवाया था। हम्म, ये पड़े थे कुछ 2000-2500 के ऐसे। में एक और भाई आ गया, तो ये भी इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन से बताने में मदद करेगा शिवम के साथ, क्योंकि ये हकला रहा था ज्यादा। ये तो अबे साले, तभी चलो अलग ही हट गया है पहले ही। चलो अब आप। हाँ जी बताइए। ये लगवाया था स्पॉइलर। ये आया भाई हमारा 3000 रुपए। मैंने वायरिंग लगवाई क्योंकि ये ऐसे अच्छा लगता है, जलता हुआ अच्छा लगता है। जला के करना है, कौन देख रहा है साइड में, इतनी बड़ी लाइटें मिल रखी है। ये हमारे पड़े थे 90 के, हमने पुराने दिए थे अपने टॉप मॉडल के, वो 50 में गए थे, 40,000 रुपए लगा के। अच्छा, जो टॉप मॉडल के आपने अलॉय कंपनी से लगवाए थे? कंपनी से लगवाए थे, पापा ने लगवा दिए, देने उस दिए। अच्छा अच्छा, तो वो कितने के पड़े थे आपको? वो पड़े थे 70 के। और आपने लॉस में कितने में दिए? भाई हो गए थे 20-15 के थे। मतलब काफी लॉस हो गया आपको इन टायर में लगाने के लिए। टायर की टोटल कॉस्ट क्या पड़ी आपको? टायर के साथ अलॉय मिले हैं, टायर के साथ अलॉय टोटल पड़े 90 के। और इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितने इंच के हैं? भाई ये 20 इंच के हैं। अच्छा, 20 इंच के अलॉय है, ठीक है। और आपने इसके अंदर यहाँ पे हूटर भी लगवा रखा है जैसे कि मैं देख सकता हूँ। भाई ये हूटर लगवाया था, ठीक है भाई, ये कुछ 2000 का पड़ा था भाई। रूट्स लगवाए थे, ठीक है भाई। और भाई लाइट लगवाई है, क्या कहते हैं, ये लगवाई है, फॉग लैंप लगवाई है, डीआरएल लगवाई थी पर वो खराब हो रही थी, उनसे वायरिंग नहीं हो रही थी ढंग से। अच्छा, वो अभी वापस लगवाई किसी और दुकान से। तो ये वाली बात तो लोग कहते हैं ना कि कंपनी का काम तो कंपनी कर सकती है, बाहर से करवा के क्या ही फायदा है। भाई हो जाता है, कई दुकानों पर नहीं होता, बाकी दुकानों पर हो जाता है। चलो ठीक है। और आप ये बताओ कि आपने गाड़ी इतनी जेड क्यों करवा रखी है, इसमें तो कुछ दिखता भी नहीं, अगर रात में प्रॉब्लम नहीं होती आपको? भाई प्रॉब्लम हमने ना होती भाई, और आने वो तुमको क्यों नहीं होती? अंधेरे में किसी को ठोक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई? कोई कुछ कब है नहीं ठोकने के बाद भी भाई, फिर तो तुम्हारा सिस्टम है ना भाई। भाई जो भी। तो भाई अब मैं इनसे इंटीरियर के बारे में पूछने वाला हूँ। तो शिवम भाई, जैसे आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बेसिक सा है ना, इसमें आपको लेदर मिलता ना कुछ मिलता, फिर आपने ये क्यों लिया? इसमें आप क्या करवा सकते हैं? और भाई इसमें भी मैं डोर चेंज कराऊंगा टॉप मॉडल के। अच्छा, टॉप मॉडल के डोर लगवा देंगे, ठीक है। सीट कवर लगेंगे 10,000 के, ठीक है। ठीक है भाई, ये भी 30,000 के कुछ चेंज होंगे। अच्छा, मीटर इसका चेंज होगा, ये तो डिजिटल मीटर लगेगा इसमें प्रॉपर। हाँ, वो 11,000 कुछ लगेगा इसका हैंडल। अच्छा, वो वाला लग जाएगा जिसमें सारे मोड जाते हैं, वॉइस कंट्रोल वगैरह, 6,000 कुछ ऐसे ही, ठीक है। इसके यहाँ पर वो लग जाएंगे हैंड रेस्ट, ठीक है। और इसका भी थोड़ा बहुत काम करा, वो देखेंगे जैसा ही। इसके ऊपर तो आप लेदर कोटिंग करवा सकते हैं, काफी सही रहेगा, देख लेंगे जो। और आप एक बात बताओ, आपने गाड़ी के अंदर हथियार क्यों रख रखे हैं दो भाई? आप बदमाश हो गया भाई, कोई यूं ना मानना था भाई, नहीं बना देना। चलो ठीक है भाई, तो यही थी इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस कुछ। इसके बाद जब गाड़ी का पूरा काम हो जाएगा, जब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा ये गाड़ी, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।